दसवीं क्लास सब्जेक्ट मैथ अध्याय दो बहुपद प्रश्नावली 2.2 प्रश्न नंबर 1। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यकों को ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंधों की जांच कीजिए। नमस्कार मित्रों, मैं गहिन सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तीसरा सवाल करते हैं। इससे तीसरा है 6x2 -3 -7x। यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ पर 6x और उसकी 2 घात, फिर उसके बाद x वाला पद आता है और फिर उसके बाद संख्या आती है, बराबर 0 लगते हैं, शून्य ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमने शून्य ज्ञात करने, अब हम देखते हैं कि आगे की जो संख्या है ये आपको करने की जरूरत नहीं, मैं रफ काम बता रहा हूँ। ओके, 6 का गुणा 3 से करते हैं तो 6 3 आता है 18। ओके, गुणा करने पर 18 आना चाहिए और घटाने पर आना चाहिए 7। ऐसी कौन सी 2 संख्याएं हैं उनका गुणा करते हैं तो 18 आता है? और तो देखो, एक तो ये है, तो पर 6 में से 3 घटाते हैं तो कितना आता है? 3 ही आता है। और किसके बारे में आता है? तो 9 3 27 होता है, तो सॉरी 9 2 18 होता है, तो 9 में से 7 हो गया, तो 7 बचता है। बोले हाँ, तो यही संख्या हमारी है। अब हम फिर लिखेंगे कि कैसा आएगा, तो 9 माइनस का रखेंगे और 2 प्लस का रखेंगे तो ही -7 आता है। यानी हमको ये बीच में 2 संख्याएं लिखने की हैं। यहाँ लिखते हैं 6x2 माइनस, यहाँ कितना लिखना है तो 9x, फिर प्लस 2x माइनस लास्ट वाली संख्या लिख देते हैं 3। बोले रब ने बना दी जोड़ी। अब हम देखते हैं कि 3 के बारे में 9 भी आता है और 6 भी आता है, तो 3 कॉमन ले लेते हैं और साथ में हम x भी कॉमन लेते हैं। 3x कॉमन लिया, 3 2 6 होता है, 6x2 में से 1 घात निकाली तो 1 घात बचा, 3 3 9 होता है और x की 1 घात है वो निकल गई, तो यहाँ पर सिर्फ 3 ही रह गया। देखते हैं तो किसके पारे में दोनों आते हैं, तो 1 के पारे में आते हैं, 2 - 3, 2x - 3 -0। अब हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक कौन सी संख्या एक जैसी है, ये दोनों कोष्टक जो हैं एक जैसे हैं, तो कॉमन लेते हैं तो कितना लिखते हैं, 2x - 3, ये कॉमन आ गया और ये संख्या रह गया 3x + 1 = 0। 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0। अब यहाँ पर देखते हैं 2x ये उधर जाता है तो कैसा हो जाता है, प्लस का, और 3x इसको उधर लेके जाते हैं तो ये हो जाता है माइनस का। अभी हम देखते हैं ये गुणांक में है तो इसके बट्टे में जाएगा तो 2 हो जाएगा, बट्टे में यानी 3/2 आ जाता है। x = -1 ये इसके बट्टे में जाता है तो कितना हो जाता है, 3। इस तरह से हमारे ये आया अल्फा और ये आया बीटा -1/3। अब यहाँ पर ज्ञात करते हैं शून्यकों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा तो ये कितना है, 3/2 प्लस -1/3। सबसे पहले हमको करना क्या पड़ेगा, हर समान करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखते हैं इसका गुणा इससे कर देते हैं, इसका क्रॉस गुणा कर देते तो आ जाता है, तो 3 3 9 प्लस माइनस माइनस 2 1 2 और आपस में गुणा कर 3 2 6 हो गया। अब यहाँ पर 7 9 में से 2 गया तो कितना बचा, 7/6। ओके, यहाँ पर लिखते हैं जांच करना है तो लिखेंगे माइनस एक्स का गुणांक खट्टे में 6x2 का गुणांक, तो देखिए x का गुणांक तो यहां पर है, x का गुणांक है ये -7, ये माइनस की निशान, ये वाले माइनस का ये निशान और ये माइनस का उसका है ही, बट्टे में 6x2 का गुणांक देखेंगे तो 6x2 का गुणांक कितना है, 6 है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, बट्टे में 6, तो देखो दोनों का आंसर एक जैसा है। बोले हाँ, तो संबंध सही है। अब शून्यकों का गुणांक, तो शून्य को गुणांक देखते हैं तो कितना है शून्य को गुणांक,
तो हम लिखते हैं यहाँ पर क्या होगा, अल्फा गुणा बीटा। अल्फा कितना है, तो ये अल्फा है 3/2 गुणा -1/3। तो यहाँ पर तीन एक तीन से तीन कट जाता है, तो -1/2 आ जाता है। अब संबंध की तुलना करते हैं, संबंध की जांच करते हैं क्या। तो अचर पद बटे में x2 का गुणांक, अचर पद कितना है, अचर पद है -3, ओके। और x2 का गुणांक कितना है, 6। ये 3 आया है। अब देखते हैं 3 के पारे में आता है, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, दोनों संबंध एक जैसे, दोनों संख्या एक जैसी है, इसलिए सिर्फ संबंध एक जैसे हैं। अब चौथा सवाल करते हैं, तो चौथा सवाल में क्या है देखें, हम यहाँ पर लिख देते हैं 0। आप यहाँ पर देखेंगे कि तो 4 क्या लिखा है चौथा सवाल में, 4u² + 8u = 0 लिख देते हैं। उसके बाद क्या कॉमन आ रहा है, 4 भी कॉमन आ रहा है और u भी कॉमन आ रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ u की 1 रह जाती है, 4 तो बात निकल गई, 4 तो निकल गया है, तो u² की 1 निकल जाती, तो एक u² रह जाती है, ओके। 4 × 2 होता है 8, ये u बाहर निकल गया, तो सिर्फ इतना बचा = 0। यहाँ पर देखें ध्यान से कि 4u = 0 और u -2 = 0, इस तरह से ये हो जाता है। अब यहाँ लिखते हैं u = 0/4 और u = ये उधर जाता है, तो माइनस की जगह पर प्लस हो जाता है। इस तरह से u = 0 और u = 2, यानी अल्फा अल्फा आया 0 और बीटा आया 2। अब यहाँ पर मैं तुम आपको कुछ बता रहा हूँ, ध्यान से देखना कि ये जो लिखा है 4u² ये है 8u, अचर पद नहीं लिखा है, अचर पद नहीं लिखा तो क्या लिख देते हैं 0। आपको सम अचर पद नहीं लिखा है, तो यहाँ पर देखें 4u + 8u अचर पद नहीं लिखा है, तो यहाँ कितना लिख देने का, 0 = 0 लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखना है आपको कि शून्यकों का योगफल, तो क्या होता है α + β, अल्फा कितना है, अल्फा है 0 और बीटा है 2 = 2। अब यहाँ पर लिखते हैं संबंध जांच करने के लिए, तो लिखते हैं x की जगह पर यहाँ पर क्या है, u है, तो यहाँ लिख देते हैं u का गुणांक बटे में u² का गुणांक। u का गुणांक है हमारे पास यहाँ पर, इसमें देखते हैं u का 8 है, माइनस प्लस का 8, ओके। ये माइनस कौन सा आया, ये वाला निशान आया है। अब देखें u² का गुणांक कितना है, तो 4, तो 4 लिख देते हैं, 4 × 2 हो जाता है 8, तो यानी कि 4 से भाग दिया तो -2 आता है। यहाँ पर देखेंगे तो हमारी यहाँ गलती हुई है, यहाँ पर देखेंगे कितना है, प्लस का है, तो ये प्लस का है, उधर जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, -का, तो ये यहाँ पर भी माइनस का हो जाता है, तो यहाँ भी माइनस लिख देते हैं। सॉरी विद्यार्थी मित्रों, मेरे से गलती हो गई है। अब यहाँ पर देखें तो 4 से भाग दिया तो माइनस दोनों का कैसा है, सही है, ओके। अब आगे करते हैं शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणांक क्या होता है, α × β। अल्फा कितना है, तो अल्फा है 0 और बीटा है 2, बराबर कितना आता है, 0। अब हम यहाँ पर जांच करते हैं अचर
पद, अचर पद देखते हैं, बटे में एक्स की दो घात का गुणांक। अचर पद यहाँ पर मैंने नहीं था इसलिए मैंने कितना लिखा है, जीरो, आपके समझाने के लिए। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने जीरो, और एक्स की दो घात का गुणांक कितना है, तो एक्स की दो घात का गुणांक है कितना है, तो यहाँ पर देखें 4, 4 से भाग जीरो में देते हैं तो जीरो ही आता है। टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर जीरो, तो ये सूत्र की सहायता से होता है। यहाँ पर देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, इनका वर्गमूल कर देते हैं, तो ए माइनस बी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में कर देते हैं, तो इसी प्रकार से इनका होगा। यहाँ लिखेंगे कोष्टक की दो घात बराबर जीरो, तो इसके अंदर आएगा इसका इसका इतना, और 15 का वर्गमूल करते हैं तो 15 आता है। अब इन दोनों संख्याओं को एक बार एक माइनस में और एक बार प्लस में लिख देते हैं, वर्गमूल में 15 t माइनस, अब प्लस कर देते हैं वर्गमूल में 15 बराबर जीरो। आप चाहें तो पहले प्लस लिख सकते हैं और बाद में माइनस, निशान आगे पीछे लिख सकते हैं। ओके, लिखते हैं टी माइनस वर्गमूल में 15 बराबर जीरो, और टी प्लस वर्गमूल में 15 बराबर जीरो। टी यहाँ पर देखें तो ये उधर जाता है तो क्या होगा, प्लस का हो जाता है, और टी बराबर ये उधर जाता है तो माइनस का 15 हो जाता है। अब अल्फा हम लिख देते हैं वर्गमूल में 15, और बीटा लिख देते हैं माइनस वर्गमूल में 15। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है कि यहाँ पर क्या नहीं है, टी की दो घात है तो टी की कितनी घात नहीं है, तो टी की एक घात नहीं है, तो यहाँ पर टी लिख दिया, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर समझा समझ में आए इसके लिए, माइनस 15 बराबर जीरो। लिखते हैं शून्यकों का गुणांक पहले योगफल लिखते हैं, लेकिन आप गुणांक लिख गया तो गुणांक ही लिख देते हैं, तो गुणांक में होता है अल्फा गुणा बीटा। अल्फा कितना है, वर्गमूल में 15 है, गुणा वर्गमूल में 15 माइनस का कितना आता है, तो वर्गमूल में 25 आता है। अचर पद बटे में टी की दो घात का गुणांक। अचर पद यहाँ पर देखते हैं, अचर पद हमारा माइनस का 15 है, और यहाँ पर टी की दो घात का इतना है। अब यहाँ पर देखेंगे तो माइनस का 15 आया, इसका भी वर्गमूल कर देते हैं 225 का, तो माइनस कितना होता है 225 का, तो हमारा 15 ही आता है। ओके, तो ये हमारा आंसर दोनों के एक जैसे हैं। अब शून्य को का योगफल अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है प्लस का 15, बीटा है माइनस का 15। देखते हैं प्लस 15 में से माइनस 15 कट जाता है तो कितना आता है, जीरो। अब यहाँ पर लिखते हैं टी का गुणांक बटे में टी की दो घात का गुणांक, तो टी का गुणांक कितना है, तो यहाँ पर देखें, इसलिए ये लिखा था समझ में आया आपको, तो कितना लिख दूँ मैं, जीरो। बट्टे में कितना लिखना चाहिए, तो बट्टे में लिखना चाहिए टी की दो घात का गुणांक 1 है, 1 से भाग देंगे 0 में तो कितना आता है, 0 ही आता है। अब छठा सवाल करते हैं, तो छठा सवाल है 3x की दो घात माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 लिख देते हैं, तो हम यहाँ पर देखेंगे 3 × 4 करते हैं तो कितना आ जाता है, 12। गुणा करने पर 12 आना चाहिए और घटाने पर 1 आना चाहिए, तो 4 × 3 होता है 12। ओके, माइनस का 4 लिखते हैं और प्लस का 3 लिखते हैं तो माइनस का 1 आ जाता है, इस तरह से ये आ जाता है हमारा सॉल्यूशन हुआ। अब लिखते हैं 3x की दो घात, अब इस संख्या लिखेंगे 4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0, रब ने बना दी जोड़ी। यहाँ पर देखेंगे x कॉमन निकलता है तो यहाँ पर 3x रह जाता है, यहाँ पर 4 रह जाता है,
एक के बारे में दोनों आते हैं तो एक कॉमन आ जाता है, 3x-4=0। अब यहाँ पर देखिए कि एक जैसा क्या है, तो ये कोष्टक एक जैसा है, तो कोष्टक को कॉमन ले लेते हैं और कौन बचा यहाँ पर, तो एक्स प्लस एक बचा। इस तरह से एक कोष्टक दूसरे कोष्टक में एक्स प्लस बना जाएगा, 3x-4=0 लिखते हैं और एक्स प्लस एक बराबर जीरो लिखते हैं। 3x ये उधर जाता है तो प्लस का हो जाता है और एक्स बराबर प्लस का एक है तो उधर जाएगा तो माइनस का एक। एक्स बराबर 4/3 और एक्स बराबर -1, यानी एक अल्फा है और एक बीटा है। आगे देखते हैं शून्यकों का योगफल। तो अल्फा प्लस बीटा होता है, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है 4/3 और बीटा है माइनस का एक। 4/3 प्लस माइनस माइनस एक, जिसके बट्टे में कुछ नहीं उसके बट्टे में एक, हर समान करने के लिए 3 का गुणा कर देते हैं। 4, 3 एकन 3/3 तो 1/3 आया। यहाँ लिखते हैं शून्यकों का योगफल, तो लिखा ही है, फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर x का गुणांक, कैसे x का, तो माइनस x का गुणांक और x की 2 घात का गुणांक। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखा ही हुआ है, तो x का गुणांक कितना है, तो माइनस का 1 है, उसका गुणांक है 3। तो इस तरह से ये माइनस और ये वाला माइनस हो जाता है, माइनस ये उसका माइनस, इतना माइनस माइनस हो जाता है प्लस। अब देखो एक जैसा है, बोले हाँ। अब हम लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल, अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा है 4/3 गुणा बीटा है -1 बराबर आता है 4/3, इसका एक का गुणा करते तो ये कैसा हो जाता है, माइनस का। अब यहाँ पे लिखते क्या है, अचर पद बट्टे में एक्स की 2 घात का गुणांक। यहाँ पर देखते हैं अचर पद इसमें कितना लिखा है, तो माइनस का 4 है और एक्स की 2 घात का गुणांक 3 है। तो इस तरह दोनों के आंसर सही है, तो इस तरह से ये मिलान सही हो जाता है, संबंध की हमने जांच कर ली। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।